भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में सुपेला सब्जी मंडी के पास एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और महंगाई से त्रस्त हो चुकी जनता की आवाज को बुलंद किया गया। कांग्रेसियों ने कहा कि अब जनता जागरूक हो रही है और वह समझ रही है कि मोदी सरकार द्वारा बढ़ती महंगाई का समर्थन किया जा रहा है, जिससे आम जनता दिन ब दिन त्रस्त होती जा रही है। कांग्रेसियों ने यह भी कहा कि सामने आने वाले लोकसभा चुनाव में देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को इस महंगाई के लिए करारा जवाब देगी और केंद्र में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार को काबिज करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिखने के बाद भी आज तक महंगाई कम न कर पाई और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। पूरा का पूरा देश महंगाई की मार से त्रस्त है। देश के 140 करोड़ लोग महंगाई से परेशान है। महंगाई दिनों दिन रात चौगुनी बढ़ते जा रही है। जैसा कि हमने देखा है, मनमोहन सिंह का जब प्रधानमंत्री थे महंगाई बहुत कम थी, खास तौर से डीजल पेट्रोल और वैसे ही रसोई गैस का कीमत इस वक्त 400 रुपये, डीजल 50 रुपये, पेट्रोल 55 रुपये। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार बनी, पूंजीपतियों की सरकार बनी, तब से आज हम देख रहे हैं कि डीजल 9600 रुपये हो गया, 110 रुपये के लगभग पेट्रोल की कीमत हो गई है, 1100-1200 रुपये का बस सिलेंडर चला गया है। इस प्रकार इस देश में जो मोदी की सरकार है वो केवल महंगाई बढ़ाने की कोशिश कर रही है, गरीबों को लूटने की कोशिश कर रही है, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है और पिछड़े वर्ग और गरीबों का शोषण कर रही है। हम देख रहे हैं चुनाव में जनता धीरे धीरे समझने लगी है। चुनाव में तो अभी समय है, इसका असर चुनाव पर होगा और जनता समझ गई है मोदी सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है और इसका असर, इस महंगाई का असर चुनाव में दिखेगा। और हमें पूरा विश्वास है कि जनता इस बार इनके भ्रम में नहीं फंसने वाली है और इस बार इस देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देश में जिस तरीके से बेतहाशा महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, अन्य जरूरी वस्तुओं की और आवश्यक वस्तुओं की महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, यहाँ पर हमारे समस्त कांग्रेस साथियों के साथ मिलकर इसका विरोध प्रदर्शन हमारे द्वारा किया गया। आम जनता बहुत ही समझदार है, आम जनता सारी बातों को समझ रही है। इसका जवाब वो जो है किसी न किसी रूप में भी आने वाला जो चुनाव में है वो वोट देकर ही इसका जवाब देगी।